हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बाजू डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इस तरीके की डिज़ाइन आप किसी भी स्लीव्स में बना सकते हो, यानी कि टॉप की, ब्लाउज़ की और सलवार कमीज़ की स्लीव्स भी बना सकते हो इस तरीके की। तो जितनी भी आपकी स्लीव्स की लंबाई हो, उससे 2 से 2.5 इंच कम हमें बुकरम लेनी है। यहाँ पर हमने पेस्टिंग वाला बुकरम लेना है। इसकी चौड़ाई है लगभग 3 से 3.5 इंच की। देखिए, इस पट्टी को इस तरीके से लंबाई में फोल्ड कीजिए, बराबर फोल्ड करना है। उसके बाद इसे एक बार और फोल्ड कर दीजिए और इसे एक बार और फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। अब इसे सेंटर में से इस तरीके से भी फोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से हमें बुकरम को फोल्ड करना है। इसके ऊपर एक डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, जो बंद वाली साइड है उस तरफ कीजिएगा। यहाँ पर हमें लगभग 0.5 इंच या 0.75 इंच पर मार्क करके इस तरीके से डिज़ाइन बना दूंगी। ठीक है, आप कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हो, यहाँ पर बॉक्स भी बना सकते हो। अब इस डिज़ाइन को हम कट कर लेंगे। दोनों साइड से ये बंद रहनी चाहिए, पूरा कट नहीं करना है। ठीक है, देखिए कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगेगा। दूसरी वाली जो बुकरम है वो भी हमें कट कर लेनी है। अब इस बुकरम को हमें क्या करना है, एक कपड़े के ऊपर इस तरीके से पेस्ट करना है आयरन की मदद से। पेस्ट करने के बाद देखिए, सेंटर में रखेंगे हम स्लीव्स के सेंटर में। इसे पट्टी में भी सेंटर बना लीजिए और स्लीव्स में भी सेंटर बना लीजिए और इसे यहाँ पर रखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले इसके बीच में एक सिलाई लगा देनी है ताकि जो ये पट्टी है वो इधर उधर ना सरके। सेंटर मिलाते हुए बीच में स्टिच कर दीजिए। अब देखिए, जो हमने डिज़ाइन बना रखी है, जो डिज़ाइन हमने कट करी है उसके पास पास में हमें सिलाई लगानी है, जिस तरीके से डिज़ाइन है। ध्यान रखिएगा, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। जो हमने डिज़ाइन बना रखी है ठीक उसी प्रकार से आप स्टिच कर दीजिए दोनों तरफ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप सिलाई से रिलेटेड और भी कोई वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे बीच में से कट कर देंगे। एक पैर का मार्जिन रखिएगा ये इस तरीके से और दोनों तरफ से कट कर दीजिए। ठीक है, कट होने के बाद देखिए दोनों स्लीव्स अलग अलग हो गई है, स्लीव्स के 2 पार्ट हो गए। अब देखिए, यहाँ पर गोलाई में हमें छोटे छोटे से कट लगा देने। ध्यान रखिएगा, सिलाई बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए। अब इन पट्टी को हम अंदर की ओर पलट लेंगे, जो सारे कोने उन्हें हम बाहर की ओर निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से लगेगा। देखिए, इन दोनों को हम यहाँ पे साथ में जॉइंट करेंगे। ये कोनों को एक के ऊपर एक कर दीजिए और इनके ऊपर स्टिच कर दीजिए। यहाँ पर हम हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन वो मजबूत सिलाई नहीं लगेगी, इसलिए हम सीधा मशीन से स्टिच कर देंगे। हल्का सा एक के ऊपर एक लीजिएगा, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर पक्की स्टिच लगा के दोनों को अटैच कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं, धीरे धीरे डिज़ाइन हमारी कंप्लीट होती जा रही है। दोनों स्लीव्स हमें इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आया है इसका। ये जो हमने होल बनाया है, आप चाहो तो इन्हें थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो। अब इस पट्टी को हम अंदर की ओर से स्टिच कर देंगे पलट कर। इससे कपड़े के धागे बाहर की ओर नहीं आएंगे। आपको डिज़ाइन कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।